कर रहे हैं क्वालिटी कैसा है। हाँ लग रहा है अच्छा होगा। नहीं अच्छा अच्छा मिल जान अच्छा वो क्यों बंद हो गया बिल्कुल? कह रहे हैं जब तुम लगवाओगी तभी खुलेगा। ये जी खैबर चर्सी तिक्का शॉप फैमिली रेस्टोरेंट है वैसे चर्सी का फैमिली होता है। अच्छा चलो अच्छा है सारा वैसे ना प्राइसेस बहुत बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं। मैं भी दूँ अपनी बेटी को। आंटी के पास तो नए नोट ही होते हैं पुराना तो मतलब हाँ बैंकर की माँ हूँ। दम पुख्त भी है यार इधर उसको फायदा हो। हाँ ये तो है दम पुख्त भी है वैसे। चलो चिकन चपली वहाँ पे है मटन भी होगा इनके पास वैसे। मटन नहीं बीफ है। बीफ नहीं। चलो मैं तो चिकन चपली कबाब मंगवा रहा हूँ उसके बाद में क्या खाऊंगी? मैं खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे आमीन सुमा आमीन। तो मौसम जो है वो काफ़ी प्यारा सा हो गया था और काफ़ी ठंड हो गई है। बारिश भी थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जो है वो होती रहती है या एक दिन के गैप के साथ। तो फिर हम आए यहाँ पे चर्सी तिक्का हमने सोचा बाहर से खाते हैं। वाओ बी केयरफुल अच्छा ठीक है ले लो आप अपनी प्लेट ले लो। क्योंकि मौसम जब अच्छा हो तो मेरा तो ख़ास तौर पे ये दिल चाहता है कि मैं जो है वो तिक्के खाऊं। तो फिर मैंने यही कहा कि मुझे तिक्के खाने हैं। तो फिर मेरे भाई ने भी कहा कि चलो ठीक है फिर बाहर चलते हैं और इन्होंने कहा कि चलो आज फिर चर्सी तिक्का जो है वो इन्जॉय करते हैं। तो पहले हम ढूंढ रहे थे एक शायद इनकी और ब्रांच है और ये दूसरी वाली ब्रांच में आए हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा था सब काफ़ी अच्छा था। चिकन भी है आपको बीफ भी मिलेगा मटन भी मिलेगा लेकिन जो काबली पुलाव है इनका तो ये आपको सिर्फ बीफ में ही मिलेगा। और लेकिन काफ़ी अच्छा था सब कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म का था। हमने मंगवाए थे जी चपली कबाब और चिकन मलाई बोटी मंगवाई थी दूसरी जो स्पाइसी बोटी होती है वो मंगवाई थी। और फिर हमने मंगवाए थे गोला कबाब। गोला कबाब तो सच पूछें तो कोई कुछ ख़ास नहीं मुझे लगे बस नॉर्मल से ही लगे ज़्यादा मुझे मतलब कुछ ज़्यादा टेस्टी नहीं लगे। लेकिन बाकी जो चीज़ें थी ना ये सारा ये अभी जो ओपन कर रहे हैं ये गोला कबाब ही हैं तो बाकी जो चीज़ें थी वो काफ़ी अच्छी थी। ये कुछ मुझे ज़रा फीके फीके से लग रहे थे। तो नान थे साथ में और कोल्ड ड्रिंक्स थी लेकिन काफ़ी इंजॉय किया हमने बहुत मज़ा आया। रियली और फिर हम लोग आगे फोर्ट्रेस वाली साइड पे क्योंकि मुझे मैं हर दफ़ा आती हूँ तो यहाँ ज़रूर आती हूँ। ड्रेसेस के हिसाब से मुझे शॉपिंग के लिए मतलब
शॉपिंग अगर आपने कपड़ों की शॉपिंग करनी हो, रेडीमेड कपड़ों की शॉपिंग करनी हो, तो मेरा ख़्याल है कि लाहौर में ये बेस्ट प्लेस है जो आपको रेडीमेड जो है वो सूट मिल जाएंगे और थ्री पीस मिल जाएंगे 2000 में, 2200 में, 2500 में, 3000 में, हर तरह के जो है आपको ड्रेसेस यहाँ पे मिल जाएंगे हर तरह की रेंज में, और इवन के आपको 1200 का भी सूट मिल जाएगा, 1500 का भी सूट मिल जाएगा, लेकिन रेडीमेड होगा, उस पर एम्ब्रॉयडरी भी होगी, अच्छा भी होगा, आपका चल भी जाएगा काफ़ी अरसे के लिए। तो मुझे तो मेरा ख़्याल है कि आप को अगर शॉपिंग करनी हो रेडीमेड ड्रेसेस की तो आप यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाएं। यहाँ पर हमने लिया आइसक्रीम ली थी, पान हम लोग लेने लगे थे लेकिन उस वक्त लाइट चली गई, तो फिर बस ऐसे मैं पूछ ही रही थी अभी उससे कि भाई से कि क्या क्या जो है पान में, कैसे मीठा पान है, कितने का है, तो लाइट चली गई तो पता नहीं दिल क्यों गिर गया उसी वक्त, बस ऐसे हुआ कि बस अब नहीं लेते, छोड़ें। तो फिर हमने आइसक्रीम ले ली और यहाँ पर हम देख रहे हैं ड्रेसेस क्योंकि मुझे लेने हैं और लूँगी मैं इंशाल्लाह। मैं जस्ट देखने आई हूँ, मैं जब भी आती हूँ लाहौर, जब दुबई से भी आती थी तो तब यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाती थी और यहाँ से लेके जाती थी मैं। ये ब्राउन भी अच्छा है, ये लेकिन मुझे ब्लैक है ना, इसका स्टाइल बहुत डिफरेंट है। अच्छा, पता नहीं मुझे ये जो रिबन वाले ना, मुझे इस तरह के पसंद नहीं है। कपड़े जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, आपको महंगे से महंगे भी मिल जाएंगे, सस्ते से सस्ते भी मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ये सारी जो ये सारी लाइन में आपको नज़र आ रही हैं शॉप्स, ये सारी जो है वो ये ब्रांड्स हैं और यहाँ पे आपको हर तरह का कपड़ा मिल जाता है और रीज़नेबल प्राइस होती है। तो यहाँ से फिर हमने कुछ कपड़े वगैरह देखे, फैंसी भी थे, लहंगे वगैरह, लहंगे तो नहीं मतलब ऐसे पहनने के लिए या मेहंदी के लिए, जो दुल्हनों के मेहंदी वगैरह के लिए जो ड्रेसेस होते हैं वो आपको यहाँ से बड़े आराम से मिल जाएंगे, और शादी के लिए कपड़े वगैरह चाहिए मेहंदी के ड्रेसेस या ऐसे जो बारात पे पहनने के लिए, मतलब शादी के फंक्शंस के लिए जो आपको ड्रेसेस चाहिए होंगे आराम से आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बंदूखान बहुत अच्छा, हम बहुत जाते थे बंदूखान, अब तो हमने छोड़ दिए बंदूखान जाना। ऊपर पार्किंग करनी थी इधर ही, हाँ जी ऊपर वाली। और उसके बाद फिर साथ में ही कारफोर था, तो फिर यहाँ से हमने सोचा कि शाल के लिए जो है वो नगेट्स वगैरह कोई चीज़ ले लेते हैं, नगेट्स ले लेते हैं और बाकी जैसे कुछ खाने पीने का जो है वो मिल जाए तो वो ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्पीकर चेक कर रहे हैं, हमने सोचा कि हम स्पीकर ले लें एक आधा। इशाल ने जो है वो कैटू जो है अपनी गोदी में बिठाई हुई है, तो मुझे कह रही है कि मैं इसकी पिक्चर बनाए, और काफ़ी जो है उसको वो, जब हम आते हैं ना कारफोर में यहाँ पे इसको ट्रॉली मिल जाती है, जैसे ही एंटर होते हैं तो ये मुझे कहती है कि मुझे ट्रॉली चाहिए, फिर उसमें बैठ जाती है आराम से, और कभी कभी तंग भी करती है, कभी कभी रोने भी लग जाती है जब टॉयज़ वाला सेक्शन आता है, तो फिर कहती है कि मैंने उतरना है नीचे और जाके खुद जो है वो चूज़ करने हैं, तो वहाँ पे ज़रा थोड़ा हमारे लिए मुश्किल मरहला होता है। और ये है जी लाहौर फोर्ट्रेस कारफोर, तो यहाँ पे हम अक्सर जो जब मैं दुबई होती थी ना, तो जब वापस आती थी जैसे एक महीने के लिए या विज़िट करने आते थे पाकिस्तान, तो हमेशा मैं अपनी चीज़ें जो है वो यहीं से लिया करती थी, यहीं पे आते थे हम, जैसे ही हम आते थे हमारा दूसरे दिन हमारा यहीं का चक्कर होता था, क्योंकि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें बाहर की चीज़ें भी यहाँ पे आपको आराम से मिल जाती हैं कारफोर में, चाहे वो कहीं कराची का हो, लाहौर का हो, कहीं का भी कारफोर हो, वहाँ पे आपको बाहर की चीज़ें इम्पोर्टेड जो चीज़ें होती हैं वो आराम से आपको मिल जाती हैं। तो जब भी मेरा चक्कर लगता था पाकिस्तान का, तो दूसरा दिन जो है वो हमारा फिर कारफोर में ही होता था, और यहाँ से फिर हम दो चार चीज़ें पैम्पर्स वगैरह शाल के, क्योंकि छोटी होती थी तब तो पैम्पर पहनती थी, वाइप्स वगैरह, पैम्पर,
और दूध इसका स्पेशली जो दूध डिफरेंट ये थोड़ा सा लेती थी वो दूध और ये सारी चीज़ें जो है वो फिर हम ले आते थे। लेकिन अभी जो है काफ़ी दिन के बाद मैं आ रही हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आ गए खड्डा बिरयानी। ये है जी बरकत मार्केट और बरकत मार्केट का मॉडल टाउन के साथ है, ये गार्डन टाउन के साथ बिल्कुल बरकत मार्केट है। माविया आप लोग बहुत सारे लोग देखते होंगे माविया को, तो माविया यहीं पे, माविया का मैका जो है वो यहीं पे है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे माविया याद आ रही थी, मैंने कहा माविया जो है वो यहाँ पे अभी पिछले दिनों आई हुई थी तो याद आ रही थी मुझे उसकी। और यहाँ पे फिर हम लोग क्योंकि हम यहाँ पे रहे हैं काफ़ी अर्सा जो है वो यहाँ पे हम मॉडल टाउन में रहे हैं और यहाँ की जो बरकत मार्केट की जो खड्डा बिरयानी है ये बहुत स्पेशल है। अगर आप लोगों ने विज़िट नहीं किया तो उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। ये इतनी ज़बरदस्त होती है कि मैं कहती हूँ अगर मुझे कोई सुबह दोपहर शाम तीन टाइम भी और लगातार मुझे एक महीना खिलाता रहना मैं इसको खाती रहूँगी, इतनी ये मुझे पसंद है। और मैं जब यहाँ पे होती तो मैं काफ़ी थोड़े टाइम के लिए मैं रही हूँ लाहौर में शादी के बाद। शादी के बाद तो मैं तकरीबन मेरा ख्याल साल ही रही हूँ, तो मैं जब यहाँ होती थी तो मैं ये ज़रूर मंगवाती थी, ज़रूर अक्सर जो है वो हमारे घर पे आ जाया करती थी। और बस हमने कहा कि आज भी फिर वही खाते हैं। यहाँ पर हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। यहाँ पे बाकी भी आपको फ़ूड की ज़्यादातर शॉप्स जो है वो नज़र आएंगी और कपड़े की भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं पीछे वाली साइड पे, कपड़ा और बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो मिल जाती हैं यहाँ पे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।